दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फिलहाल बज रहा है 8:15 और तारीख है आज 5 फरवरी 2023। आज है संडे, तो आज संडे का जो सबसे बड़ा काम था हमारे लिए, जो बहुत दिन से था, लेकिन यार इतनी ठंड थी कि सुबह एक बार उठते थे भी सो जाते थे, वो आज बाल कटाए के जा रहा है। पिंटू से बात की तो पिंटू बताया कि 8:45 बजे तक पहुँचेगा, क्योंकि आज संडे तो बहुत भीड़ होगी, तो 8:30 बजे ही पहुँच जाना चाह रहे हैं और शॉर्टकट मारेंगे तो पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले तो यार टी शर्ट बदल दी जाए, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों के बाल कटवाने कपड़े अलग होते हैं, जो पुराने होते हैं या थोड़ा छेद वेद होते हैं, फटे होते हैं। तो वैसे ही मेरे पास एक टी शर्ट है, तो जल्दी से वो पहनता हूँ और फिर चलते तो पिंटू के यहाँ बाल कटवा लेते हैं। तो पहन लिया हमने अपनी पुरानी 10-12 साल पुरानी टी शर्ट, थोड़ा फटी हुई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बाल तो कटवाना है। ये हमने स्पेशली इसीलिए भी बचा के रखी कि बाल कटवाते टाइम जाते हैं, तो जाए जल्दी से वहाँ पहुँच जाए। पिंटू 9:45 बजे बोला है पहुँचेगा, हम उससे पहले पहुँच जाए। वहाँ पिंटू बहुत VIP आदमी भाई, फिर उसके बाद आज संडे है, पूरे दिन वो बिजी रहेगा तो बाल नहीं कट पाएगा हमारा, इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार करना हमें पसंद नहीं है। तो उससे पहले पहुँच जाते हैं और टाइम पास के समोसा खा लेंगे, तब तक वो आ जाएगा। तो चलो जल्दी चलते हैं। ये देखिए, ये दोनों कल से गायब थे, आज दिखाई दिए। कहाँ घूम रहे थे तुम दोनों? हैं, बिस्किट खाना है तुम दोनों को? पार्ले जी, कहाँ गए थे दोनों? हाँ, आज दिखाई दिए हो। बिस्किट खाओगे? रुको, ला रहे। तुम भी खाओगे बिस्किट? क्या खेल लो यार तुम लोग? ये देखिए मोहल्ले के बच्चे हमारे, हेलो करो। क्या खेल रहे हो सबके साथ? कैमरा लगाया हो? बिस्कुट खाएंगे ये लोग। ये कौन खाएगा? ये लो, पहले हम आ गए। ये देखिए हमारा सेलिब्रिटी पिंटू, हमारा बचपन का दोस्त। तुम गाड़ी में हमारे ना थूक देना। चलो हम आ गए, बाल काटो हमारे जल्दी से। पिंटू इज बिजी, मतलब हमारे आने से पहले ही पिंटू हमारा बिजी है, जो एडवांस में कस्टमर बैठे हैं उनके साथ बेवफाई कर गया आज पिंटू है। हम समोसा खाते हैं तब तक तुम, कि हमको भी जल्दी है, तुम निकलना है। आइए समोसा खा लेते हैं। मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं समोसा खाने आया हूँ, मैं समोसा खाऊंगा। अंकल जी एक दोना समोसा दीजिएगा सुबह का। बढ़िया, देखिए वो समोसे रेडी एकदम तैयार बैठे हुए हैं कढ़ाइया में जाने के लिए। टमाटर आम का ना डालिएगा, टमाटर। बेवफाई कर रहे हैं अंकल जी ने समोसा ठंडा दे दिया है, तो टेस्ट में अच्छा पर है ठंडा। आई बारी आई, ये है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार, एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक।
ठंड में जैसे ये जैसे किया जाता है और आपके मुंह में पड़ता है, असर में हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा लगता है किसी ने रॉकेट छोड़ दिया आपके ऊपर। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ये देखिए, ये पिंटू है और ये हमारे एज का सेम, हम भी 36 ये भी 36। इसके दो बच्चे, एक 9वीं में पढ़ रहा है और एक 5वीं में पढ़ रही है। और हमारा भी शुरू भी नहीं हुआ है, हमारा खुद का बचपन और खुद के कांड संभल नहीं रहा। अभी अभी हमें ये आश्चर्यजनक खबर पता लगी। पिंटू बताया कि बेटी जो है 5th में है, तुमने तो बाप है 5th में पहुँची है बेटी तुम्हारी, सेम एज के अपन, हमारा खुद का बचपन जा नहीं रहा है। फिर पिंटू बताया बेटी 5वीं में, बेटा 9वीं में है। गजब हो गया भाई, पिंटू अरे बुढ़ा गए, सेम एज के होते हुए भी पिंटू बुढ़ा आ गया। हमारा तो भी बचपन जा ही नहीं रहा है और हमारे कांड संवर नहीं रहे हम फिर उदी के। भाई साहब हमको मिल गए, क्या नाम भैया? मेरा नाम रिशु। रिशु भाई हैं? तो रिशु भाई हैं ये हमारे, और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो इन्होंने हमको देखा तो ये रुक गए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक्चुअल में हम सिविल इंजीनियर भी हैं। हाँ जी जी। तो हमने सोचा ऊपर से थोड़ा देखें क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, कहाँ? यही रीवा में रहते, बाहर? मैं ऑल इंडिया में घूमता रहता हूँ मैं। वाह भैया, मौका मिले तो हम भी ऐसे बाइक, ये तो मेरी है। मेरे पास 220 थी पहले, वो चोरी हो गई तब ये खरीदी मैंने। मेरा भी शौक है कि घूमने फिरने का। अच्छा, तो मैं वाली भी आता घूम लिया हूँ पूरा। मैं तो भैया अभी शुरू ही नहीं कर पा रहा हूँ, घूमना ही नहीं, मेरे कांड इतने ज्यादा है कि मेरे से कांड संभल नहीं रहे मेरे, तो मैं घूम ही नहीं पा रहा हूँ। मान के चलिए मैं ये आके दिल्ली मुंबई घूम चुका हूँ। हमारा टारगेट है कि कार से अपना वहाँ जम्मू कश्मीर। मेरा तो टारगेट है मोटरसाइकिल से कन्याकुमारी जाना, साउथ इंडिया घूमने का, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मेरा पहाड़ वहाड़ में बर्फ में घूमने का बिल्कुल मूड नहीं है। आप तो जानते हैं ऑटोमोबाइल वाले लोगों का सिर्फ कारों से प्यार है, और मुझको बाइक से, मेरे मुझे कार में बोर लगता है। मुझे कार में कोई बैठा देता है तो मेरे को नींद आने लगती है। तो वही मैं निकला, मैं रोज, आज तो बहुत साफ दिख रहा। अच्छा अभी सुबह है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है। मैंने सोचा कि थोड़ा देखे, बहुत तेज काम किया है ये, बोल रहे हैं कि ये चुनाव से पहले, हाँ तब चुनाव के पहले ही तो करना पड़ेगा। अब करेंगे, अब और तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, अभी कार्ड दिखाना पड़ेगा। अब ये क्या, इससे जोड़ देंगे शायद, है ना? भगवान करे एक्सीडेंट ना हो। वैसे भी ये फ्लाईओवर बहुत खतरनाक है। ये इसका देखिए फटना चालू हो चुका है, और आगे आप दिखाई नहीं है, आगे भी फट रहा है वहाँ साइड। कहाँ? वो आगे पता, हाँ उधर ना, हाँ पता, देखा मैंने। तो वही बोल रहे हैं कि क्योंकि आप तो सिविल इंजीनियर, आप तो पता है कैसे रोड बनाना, बाकी आप तो खुद ही देख रहे हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं। वही बोल रहा हूँ कि समझ जाता हूँ। वैसे मैं करप्शन खिलाफ भी लड़ता हूँ ना, तो मेरे को पता है कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारे वैसे रिशु हमारा एक बचपन का दोस्त भी है जो अभी बाहर रहता है, तो बहुत मजा आया मिलके, बहुत खुशी हुई मिलके, बहुत अच्छा लगा। यही चैनल का थोड़ा फायदा कि मिल जाते हैं मेरे को, तो आप जैसे आए मिलके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। अच्छा हुआ वापस मोड़ के आया, और यहाँ पे मैं तो ये देखने आया था रिशु भाई मिल गए। तो रिशु भाई हेलो करिए सबको, हेलो, कामनाएं दे रहे हैं, उनको पसंद है हमारे ओरिजिनल वीडियो, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए उम्मीद करते हैं, अभी तक तो नहीं बरसी है, लेकिन कोशिश करेंगे बरस जाए तो अच्छा है। हम भोलेनाथ तो बड़े भक्त, वो हम वहाँ से आती आती है, उसे हम पानी तक नहीं पीते। हम तो भैया खत्म हो जाए अगर पानी और खाना ना खाए तो। आप अगर सच्चे मन से आप करेंगे सब कुछ आके। अब देखिए ऐसा भाई बता रहा कि मेरे में, देखिए भैया ऐसा ओरिजिनल रहता है, गाली गलौज
या फिर गंदी चीजें या फिर फालतू नहीं डालता, ऐसी चीजों की कोई भी देख सके, छोटा बच्चा भी 60 साल का आदमी भी। जैसे ज्यादातर आप चैनल देखोगे तो उसमें या तो ड्रामेबाजी चल रही होगी या गाली गलौज तो 100% ही होता है, वो सब नहीं। जैसे यूके 07 वाला है, वो लोग तो बहुत बड़े चैनल तो हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच गाली आ जाती है। मैं गाली नहीं दूंगा, मेरे चैनल में गाली गलौज, गंदी चीज, ड्रामेबाजी, स्क्रिप्टेड चीज, ये सब नहीं होगी। बस आपको एक चीज बोलूंगा, ना मानिएगा, जितने भी आप फेमस हो जाए यूट्यूब आने वाले समय में, बस एक चीज बस रखिए, घमंड न करिए, बाकी आप ये व्यवहार रख के रखिए। ये सब मेरे को होगा ही नहीं भैया, घमंड क्यों होगा, बस ये व्यवहार रखिए, बस हो गया। मेरा सीधा सा मानना है भाई साहब कि जो है भगवान के आशीर्वाद से मिलता है, घमंड वमंड टूटने के लिए होता है, घमंड करिएगा एक दिन टूटेगा ही वो। चलिए मिलते हैं भैया, मिलते हैं भाई, बढ़िया मिल गए यार ऋषु भाई। देखो हमारे यूट्यूब से हमको वही है, मैं यूट्यूब चैनल में मेरे को इस बात का सेटिस्फेक्शन ना मिलता है ना लेना था कि मुझे कितना पैसा मिलेगा इससे, मेरा ये गोल कभी इससे नहीं था अगर सच बोलूं, बट बढ़िया लोग मिल जाते हैं यार मेरे को, मुझे बहुत खुशी होती मिलकर। तो ऐसे ऋषु भाई से मिले बहुत बढ़िया लगा, जेन्युइन आदमी थे, जेन्युइन लोगों से मिलकर ही अच्छा लगता है, ये फेक ड्रामेबाजों से ना मैं दूर रहता हूँ। तो ऋषु भाई जेन्युइन आदमी थे, बहुत अच्छे दिल के आदमी है, बढ़िया लगा यार ऋषु भाई आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई, और इसीलिए मुझे अच्छा लगता है मेरा यूट्यूब चैनल। क्या हो रहा है मतलब, ना मैं गाली गलौज करता, ना मैं कोई गंदी चीज़ या ड्रामेबाजी या स्क्रिप्टेड चीज़ फेक चीज़ें सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, इस वजह से मुझे जो लोग मिलते हैं ना वो बहुत बढ़िया मिलते हैं, मुझे मेरे टाइप के लोगों का ही सर्कल पसंद है, वो चाहे रियल लाइफ में दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, और चाहे वो सब्सक्राइबर्स हो, तो अच्छा लगा मिलके। प्रणाम करो, ये देखिए दोस्तों ज्योति राजी प्रणाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, काहे बब्बा के विजिटिंग कार्ड को, बब्बा के विजिटिंग कार्ड को तोड़ मरोड़ दिया पूरा, क्या कर रहे हो, अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति राजित को भरी ठंड में टकला कर दिया गया है बेचारे को, और ये अपने बब्बा के ऑफिस को तहस नहस करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये कहाँ भरे ले रहे हो, क्या है, कहाँ वारे ज्योति राजित भी है, कार्टून है पूरा का पूरा, ये देखिए। हाँ हाओ, हाँ ना कर दे रहा हूँ, ये देखिए अपना के लड़का का देख ले, कहे दे? बहुत बदमाश है यार, थोड़ा राजधानी बता दो अब कुछ नहीं है, देखिए ना हो एक विजिटिंग कार्ड तू आ दिए है, हम नहीं दिया रोका निकाल के धरा, हाँ देखा देखा वारे ज्योति राजित। ये है कल्लू, इस मोहल्ले का मालिक, बढ़िया पढ़ा रहता है, हर साल 8-10 बच्चे करता है, बढ़िया यहाँ मोहल्ले में पार्टी वगैरह में सब में खाता है और सोता है बीच सड़क में। कट गए आज बाल और बढ़िया लग रहा है, साइड में जब हवा लगती तो अच्छा लगता है, और नहा धो के अब रेडी हो गए हैं, जाएंगे भी गौरव मिश्रा क्या, गौरव मिश्रा को कुछ कैश देना है, और उसके बाद आज उसके भाई की आज तिलक है, और उसके भाई का नाम भी रिक्की ही है, तो आज रिक्की का तिलक है, तो जा रहे हैं अपने कपड़े प्रेस कराएंगे जिससे कि शाम को थोड़ा जेंटलमैन बन के जा सके। और हमारा जो रॉयल एनफील्ड का कार्गो है यार, उसमें बटन बार बार टूट जाता है, उस दिन झूला झूले जब उसमें रिवांचल मेले में नाव वाला जो झूला था तो उसमें लगता है फंस के वो बटन टूट गया, तो जा रहे हैं उसको भी सिल लेकर दे दो, मतलब बटन बहुत टाइम नहीं लग गया तो बटन भी उसकी सही हो जाए, तो कपड़े प्रेस कराएंगे, बटन जो है वो सुधरवाएंगे, और जो हमारी ओवर कोट है सोचे उसको भी अब उसमें दे दें, क्या बोलते हैं ड्राई क्लीन में, लेकिन फिर लगता है यार ठंड का कोई भरोसा नहीं,
वापस आ गई तो फिर वो काम का रहेगा, तो इसलिए मैं सोचूं कि अभी रहन देता हूँ ओवरकोट को। लेकिन ओवरकोट का टाइम भी निकल गया, मुझे ऐसा लग रहा है इतनी ठंड पड़ नहीं रही है, रात में पड़ती है तो रात में बहुत निकलता भी नहीं हूँ, तो देखता हूँ अभी चल के। लेकिन सबसे पहले यार लंच करेंगे, मालूम क्या है वो समोसा खा के ना मूड ख़राब हो गया, ठंडा समोसा दे दिया एकदम, धोखेबाजी हो गई हमारे साथ। तो हमको लगा मस्त गरम गरम समोसा होगा, बहुत दिन बात है क्योंकि समोसे हम बहुत कम खाते हैं, तो हमको लगा कि समोसा खाएंगे। ऐसा समोसा खाया कि महीना दो महीना अपने आप समोसा खाने का मन नहीं करेगा, तो इसलिए घर जल्दी से लंच कर लें घर का खाना, कि कुछ भी बहुत सेटिस्फैक्शन तो घर का खाना ही देता है। आदमी कुछ भी खा ले, बाहर का समोसा खा ले, पिज़्ज़ा खा ले, दो चार दिन में बोर हो जाएगा रोज़ रोज़। भाई दाल चावल ऐसी चीज़ है, घर का खाना ऐसी चीज़ है कि आदमी ज़िंदगी भर खाता है लेकिन बोर कभी नहीं होता है। तो चलो लेकिन पहले बैग पैक कर लेते हैं, फिर सीधे लंच करेंगे। ये हमारा फॉर्मल है तो इसको दे देते हैं, तो प्रेस हो जाएगा। इसका बटन टूट गया है, ये पीछे वाला, ये कहाँ गया है ये, तो इसको लगवा लेता हूँ ना, बेल्ट इसमें बसेगा, वरना पैंट नीचे से रखता रहता है और बेल्ट ऊपर कमर में बंधा रह जाता है। तो चल के इन दोनों को भी दे देते हैं। ओ, दाल फ्राई, दाल फ्राई से टेस्टी कोई चीज़ नहीं दुनिया में। आज मम्मी सुबह गए बाल कटाने, समोसा खा लिए बोर हो रहे थे, तो ऐसा ठंडा समोसा खबाइस कि पूरा स्वाद ही बिगड़ गया। अब अगले एक दो साल हम समोसा ही न खाएंगे। फिर हम बोले घर का बढ़िया दाल फ्राई सब्जी रोटी खाते हैं जिसमें सार है और यही ज़्यादा टेस्टी है। सलाद क्या हाल आई ना यार, आई हाँ ठीक। किसकी गाड़ी निपोर रहे हो? अरे हमारा काम ही है सर निपोरना। हम ये कह रहे थे कि जो एक बार पैंट में बटन नहीं लगवाए थे उसकी, हम एक दिन गए मेला झूला झूलने नाव वाला, तो इतनी हालत ख़राब हो गई कि हम एकदम पकड़ उकड़ लिए जहाँ से भी वो टूट गया पीछे वाला बटन, तो बेल्ट ऊपर आ जाता है पूरा, तो ये लगा देंगे। आओ थोड़ा सिफारिश कर दो। ये वाला जो है 10 मिनट लगेगा। अच्छा ये वाला जो है ना, तो ये यहाँ इसमें लगाना है, ये बस इतना ही काम है, तो यहीं रख दें अभी पैंट। सिंगरौली, वाह वाह उड़ा दो मेरे को, आओ ये देखिए रीवा का कोलोसियम है ना, एकदम जैसे कोलोसियम होते थे उस टाइप का गोल निशान, वो पूरा गोल डिजाइन है। बज रहे 7 और कॉन्टीनेंटल GT 650 होने का जो मैंने सबसे ज़्यादा नुकसान झेला है फिलहाल वो ये रहा है कि मैं बाइक चलाने में इतना मतलब खो जाता हूँ कि मुझे क्या काम होते हैं वही भूल जाता हूँ। अब मेरे को अपना जो पैंट है उसका बटन लगवाने के अलावा मैंने जो सुबह प्रेस करने के लिए अपना दूसरा फॉर्मल पैंट दिया था वहीं से सामने से निकल आया, पर मैं भूल गया कि मुझे वो पैंट लेना। अभी घर आया तो मुझे याद आया कि यार वो रात हो रही है, दुकान बंद कर देगा उसका टाइम होगा, तो जाके मैं अब मैं पैदल जा रहा हूँ। अब मुझे हाथ मुँह धो के तैयार होके अब नेवता में जाना था रिक्की के तिलक में, तो अब पानी गर्म होने को लगा के अब जा रहे हैं जल्दी से अपना फॉर्मल पैंट ले आए पहले। ये रहा ब्रेड और ये रहा शुद्ध देसी गाय का दूध। गैया का है भैंसिया का है मम्मी? गैया का है। ओके नाश्ता कर लेते जल्दी से दो ब्रेड, क्योंकि फिर नेवता में खाने में टाइम लगेगा, तो पहले नाश्ता कर लें। पर इतनी जगह बची रहे कि भाई वहाँ पे जो स्टार्टर है जैसे डोसा रहेगा या फिर नूडल्स रहेगा या फिर जो जो सब खाना पड़ेगा ना, हमको बहुत जिम्मेदारी रहता है नेवता वगैरह में, खूब खाना पड़ता है। अभी हम पूरे घर में इसकी चाबी ढूंढ डालते, कहीं ना मिलती है हमको ये। ले आए अपना पैंट, अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं, ऑलरेडी 7:30 बज चुके हैं। बढ़िया अब फॉर्मल पहन के हम हो गए रेडी, पर
अब रेस्ट कर रहे हैं। क्या है कि सिर्फ शूज पहनना है, स्वेटर पहनना है, तो स्वेटर तो नीचे है, धुलने गया था तो नीचे ही रखा हुआ है, शूज बस पहनना है। तो अंकुर शुक्ला के साथ जाएंगे, तो जब वो आएगा उसी की गाड़ी में जाएंगे, वही न्योता में, तब तक रेस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। शुक्ला जी हेलो करिए। अरे लौटे रहते हैं, अपनी गरी आता है वो नहीं देखे हैं हम, ऐसी चीजें नहीं देखते जो गरी आता है। वो बढ़िया वायरल आदमी है वो। अच्छा हाँ, अरे यार इतना गाली गलौच रहता है कि समझ नहीं आता कौन किसको गरी आता है, हर चैनल में तो यही रहता है गाली। गाली ना होती तो बस पर हिट होती। सही बात है। तो जा रहे हैं रिक्की के तिलक में, और मस्त तो वहां पे खाएंगे, उम्मीद करते हैं वहां पे नूडल्स, डोसा, फुल्की, चाट सब होगा, जो एंजॉय बुलाया है करेंगे। वो भी जो बुलाया है वो भी तो हो गए, वो तो हो गए यार, वो बुलाया ही है, सीधी सी बात है। टाइम से जब पहुंच गए तब, बारात में नहीं जा रहे हैं 11 बजे अभी लगेंगे। अभी निकले तब, अभी निकल चुके हैं हम। उनकी मोटरसाइकिल से ऊपर तो मोटरसाइकिल बैठ लिए। ये रहे हमारे शुक्ला जी, और ये जी लगे हैं दीर्घा, हम भी दाढ़ी ही बनवाए, हम दो चार भी किए। ये रहे हमारे नहीं, हेलो फोटो, हेलो ब्लॉग बन रहा, ब्लॉग बन रहा है भाई। अभी हम लोग हमारी पर ऐसी लग रही है दाढ़ी बनाए, अरे तो ठीक हो गया, हम तो सिर्फ फोटो फोटो खींच रहे हैं। नहीं ये ब्लॉग बन रहा है, रुका है। अबे तुम इतने बड़े होने वाले सेलिब्रिटी, ये तुम दोस्त हो क्या? क्या हेलो कर रहे? चलिए भोजन कर लिया हमारे जी। अभी हम लोग निरुकार और अंकुर से मिले हैं, अंकुर के दांत में कुछ फंस गया है, लेकिन अभी हम लोग रिक्की से मिलेंगे। एक रिक्की दूसरे रिक्की से मिलेगा, स्पेलिंग अलग है, वो RI डबल के आए हैं, हमारा इसी के वहाँ है। आवाज जाएगी ना ब्लॉग में, हम लोग बचपन के दोस्त, देखिए हम लोग बचपन के दोस्त हैं, अंकुर मेरा बचपन का दोस्त है, निरुकार मेरा बचपन का दोस्त है, गौरव मेरा दोस्त है बचपन का, और मामा तो और जवानी के दोस्त कहाँ गए? जवानी की तो जवानी तो हमारी आई नहीं है, अभी हमारा बचपन चल रहा है, तुमको पता है ना, खुद के कांड संभल नहीं रहे, बचपन जा नहीं रहा। हमारा अब हम नहीं मिला, तुम्हारा दांत फंस रहा है, तुमको डेंटिस्ट को दिखाने की जरूरत, हम सब बच्चे दोस्तों। हम कर रहे हैं डोसे का इंतजार, अंकुर शुक्ला भी प्लेट लेके खड़े और हम भी। अबे दोस्त तेरा ब्लॉगर है बे। अरे आप खाइए। अरे आप ये सॉरी सॉरी, नहीं सॉरी की जरूरत नहीं है। देखिए गौरव मिश्रा जो है मेजबान, वो नूडल्स निकाल रहे हैं हमारे निरुकार पांडे के लिए। गौरव हाय करो सब्सक्राइबर्स को। नूडल्स भी खा लेंगे साथ में। तो ये है हमारे मामा, लकी मामा, लकी मामा हेलो करिए। चले खाना खाते हैं। चलो काहे परेशान कर रहे हो बच्चे? अरे सुन तो, अरे तुमरे लड़के को तुम ही दबा सकते हो।
चलो से यार लीजिए क्या उसके साथ घूमता तेरा नहीं है तू खबरदार जो है ए खाना खाना है खाना खा लिया जाए हम तो ले ली भाई तो हम खा लें ये चलना है जल्दी हो तो चलो चले अच्छा यार गजब। तो आ गए घर और बज गए हैं 11:45 और काफी मजा आया यार रिकी के तिलक में। अभी तो शादी भी आ गए कुछ भी कहिए। स्कूल के जो दोस्त होते हैं ना स्कूल के दोस्त होते हैं एक्चुअली। अब जाएंगे सोएंगे क्योंकि 12 बज रहे हैं। काफी थक गए हैं थोड़ा डांस भी कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय गुड डे एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।